इतना अच्छा लग रहा है ना ऑडियंस, ऐसा लगता है चार लीचियां रखी हैं और दो के छिलके निकाले हुए। बिना मैं बैकस्टेज थी, मैंने मेरी स्कर्ट फट गई सर। मैंने कहा मेरा परफॉर्मेंस है, कहते पहन तेरे को धागा आएगा। मैं क्या, हाँ जी, इन्होंने धागा नाक में डाला, स्कर्ट फटी, कहते मेरा स्कर्ट सी दिया। बिग बॉस कहने गए, डॉली बिग बॉस चाहते हैं, बेहोश हो गई। क्यों? कह रही कोई तो मुझे चाहता है। मारूंगी तुझे, मारूंगी। एक सलाह देता हूँ, सर कभी जोड़ के मत बैठना, नहीं तो किसी को लगेगा कि पैंट उतार के उल्टा बैठा हुआ। गंदी सोच वाले लड़को, मैं घुटनों की बात कर रहा था सालो। 1 2 3 डोली जी के वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। दूसरी औरतें अपने पति पर शक करती हैं कि भाई तू पड़ोसन को देखता है। मैंने इनको एक बार देखा, मेरी पत्नी और ज्यादा प्यार करने लगी, कहती बेचारा भोला है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं मालूम। ये इतनी अच्छी लेडी के बारे में आप लोग क्या क्या बोल रहे थे। अरे ये औरत नहीं है, यही मेरा पंच था, ये औरत नहीं है। हरावी की चाची तड़का देख लो भैया। इस्मार खान की शूटिंग में गए थे ना, पहले दिन अक्षय कुमार को जाके बोला तू बनेगा रोटीज, तू बनेगा रोटीज। उसने ना उड़ के मुंह पे जो लात मारी है ना, यहाँ पे बीच में बाल भी नहीं आते अभी। यार तू क्या हंसता है? अबे गंदी नाली के कीड़े थप्पड़ मार के मर गया, क्या कर लेगा? एक मिनट यार, क्या है क्या, मार के थप्पड़ ना बाहर निकाल दूंगा। क्या कर रहे हो? चुप यार, तू हट जा। आ गया शनिवार लेकर एंटरटेनमेंट की बहार, और आज भी यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे और हम उनके मुंह से निकलवा के रहेंगे बचाओ, क्योंकि ये है कॉमेडी नाइट्स बचाओ। आज कौन आने वाला है? आज, अरे अभी दिखाते हैं। नाम डॉली बिंद्रा, उर्फ गालियों की ब्रांड एम्बेसडर। काम मत देखना डर जाओगे, रंग तुरंत बदल लेती हैं। नाम रघु राजीव उर्फ गंदे टकले। काम नौजवानों को बाइक का लालच देकर गंदी गंदी गाली देना। ये पढ़ इसमें कितनी बार लिखा है तूने? कौन है तू? जबड़ा उतार दूंगा तेरा। और नहीं आया बोला मैंने? प्यार भी बढ़ाता मैं तेरे, रुक जा। रंग चाहे कैसा भी हो, टकला आदमी बुरा ही लगता है। नाम बिंदु दारा सिंह उर्फ बेरोजगार। काम कोई नहीं देता। उम्र जैसी शक्ल है, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अरे से धीरे से नहीं यार, जोर से बजाओ। दोनों सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। मैं हम दोनों के लिए। बिंदु बाजी, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद कैमरा देख के? डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्या लगता है पाजी, क्या होने वाला है यहाँ पर? हमें बुलाया है। ऐसा मैंने इविल डेड में देखा था। इतना अच्छा लग रहा है ना ऑडियंस, ऐसा लगता है चार लीचियां रखी हैं और दो के छिलके निकाले हुए। अरे अरे, हमने वॉशरूम बनाए हैं। ये होता है देखो, इविल डेड बना पीपल।
रघु एंड राजीव, मुझे पता है इनके ये बाल क्यों गए हैं। कैसे? क्योंकि जब भी इनके शो की टीआरपी आती थी ना, ये सर के बल नाचते थे। लेकिन ये बॉस बॉस शाने बॉस, देखो यहाँ से भी बुगा रहे हैं। जैसे ये ज्यादा उग जाएंगे ना, मुंह टेढ़ा कर देंगे। लेकिन सर एक बात कहूंगी, आपको अपने शो छोड़ दिया रोडीज, अभी भी हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं? कोई कुछ नहीं कहेगा। आप तो बड़े प्यारे हैं ना। अरे हाय, क्या हाल है? हेलो जी, साडा भी हेलो ला लो। नहीं नहीं, अंदर वो कीड़ा हेलो बोल रहा है उसको। टेंशन हो रही है आप लोगों को ये कुर्सी पे बैठने के लिए? नहीं, मेरे को बहुत इंतजार है यहाँ बैठने का। इंतजार है बहुत, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, हमने सोच के बैठे कि गालियाँ खाएंगे आज। दबा के कमी ना होने पाए, मैं बता रहा हूँ। कमी कमी होगी। अरे काम हम करेंगे, एक काम करते हैं, इस कुर्सी को नीचे बुला ही लेते हैं। हमारे बैठने के बाद फिर से ऊपर तो नहीं जाएगी। आपके बैठने पे कैसे जा सकती हूँ? बचाओ! अरे बचाओ! सबसे पहले इस कुर्सी पे किसको भेजें भारती जी? डॉली मैम, आप बैठिए सिंहासन पर और बाकी के गेस्टों को कहूंगी कि आप हमारी टीम के साथ बैठकर एंजॉय कीजिए। डॉली मैम। हाँ जी। जब आप हंसती हैं, आपको पता आपके पड़ोसियों का क्या हाल होता है? वो पड़ोसी इधर भी आए हुए हैं। प्लीज वेलकम मुबीन एंड तिल, सॉरी क्या नाम है? अनीता। अनीता, क्या बात है? बिंदु दारा सिंह, रघु राजीव, डॉली बिंद्रा, शक्ल देख के गुस्सा दिलाने वाले एक्टर एक साथ। लेकिन बिंदु जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पता है, 3 साल थिएटर किया मैंने, सामने आपकी फोटो रख के एक्टिंग करता था। मेरे गुरुजी ने कहा था, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ऐसी एक्टिंग कभी मत करना। क्या बोले जा रहे हो? अरे क्या बोले जा रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देखो कौन बैठे हैं। रघु राजीव, पता है दुबई के शेख लोग उन्हें दुबई की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। इतने फेमस हैं? नहीं फेमस नहीं है, उन्होंने इन पर रिसर्च किया है। इन्हें 20 मिनट से ज्यादा धूप में खड़ा करो ना, तो इनके टकले से तेल निकलने लगता है। डॉली जी भी आई है। हेलो डॉली जी। डॉली जी, जी तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलती हो? जी इनको इसकी आदत नहीं है। पता है इनकी वजह से हमारे मोहल्ले के पीछे जो कब्रिस्तान है ना, सारे मुर्दे उठ उठ के भाग रहे हैं। कहते हैं या तो फिर इसी को रख लो डराने के लिए, या फिर हमें रहने दो। और हमारे गली के बच्चे जब भी रोते हैं ना, तो हम उन्हें कहते हैं चुप हो जाओ वरना डॉली के गोद में डाल देंगे। अच्छा, उससे चुप हो जाते हैं? नहीं तो डायपर खराब कर देते हैं। अच्छा, मतलब जुलाब की गोली के काम भी आती है ये? नहीं, लेकिन लेकिन कुछ भी कहो, डॉली जी की वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। पता है दूसरी औरतें अपने पति पर शक करती हैं कि भाई तू पड़ोसन को देखता है। मैंने इनको एक बार देखा, मेरी पत्नी और ज्यादा प्यार करने लगी। मैं क्या कहती, कहती बेचारा भोला है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं मालूम। वैसे आपको पता है डॉली ना बिग बॉस में भी थी। बिग बॉस में भी थी नहीं, बिग बॉस में ही थी। हाँ, क्योंकि मैंने इन्हें और कहीं देखा ही नहीं है। बहुत अच्छी है। कितने की है? पर इन्होंने फिल्म भी की है। हाँ पता है, फिल्म भी की है, मैंने उसकी शूटिंग भी देखी है। हाँ, बाजार में शूटिंग हो रही थी, आलू की गोनी रखी थी उसके बाजू में खड़ी थी, तभी मेकअप दादा आए, आलू की गोनी को लिपस्टिक लगाए और चले गए। अब मुझे पता चला कि आलू की गोनी मेन लीड में थी और ये मेन भीड़ में थी। वैसे बिंदु जी ने भी फिल्म की है, उनके बारे में कुछ कही है? बिंदु जी के पास भी मेकअप दादा आए थे। कहते भाई देख, तेरा मेकअप से कुछ नहीं होगा, टैलेंट पे डिपेंड करता है। बचपन वाली बात भी बताओ ना। बचपन में बड़े नॉटी थे, एक बार पियानो खा गए। पियानो होता है ना बजाने वाला, उसके बटन अभी भी दिख रहे, देखो ब्लैक ट्रैश वाला, व्हाइट
अजू राजीव के बारे में कुछ नहीं बोलोगी? सॉरी, हमने आपके बारे में ज्यादा नहीं बोला. एक्चुअली हमें कहा गया है कि जो लोग फेमस हो, सेलिब्रिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करें. अच्छा, मतलब सेलिब्रिटी के बारे में बात करें. अब डॉली जी खुश हो गई. खुश तो हुई. लेकिन डॉली जी, पता है इतने पंच आप पर क्यों मारे? क्योंकि आपका मुंह पंचिंग बैग जैसा है. चला, बहुत हो गया, फोन करने का वक्त आ गया. फोन करने का? हाँ, एक सेकंड कर लेते हैं. क्या है, जब भी खत्म होता है सिक्योरिटी बुलाना पड़ता है. हेलो. हाँ सिक्योरिटी. अरे यार, 15-20 लोग आ जाओ. नहीं नहीं, इस बार मेरे लिए नहीं यार. वो जो सामने बैठी ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही, उनको बाहर करो यार. थैंक यू. अरे ये तो सच में भाग गया, सच में भाग गया. कमाल की जोड़ी है ये. मुबीन अनीता का पार्टनर कम बॉय ज्यादा लगता है. और अनीता, मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं डॉली जी, लोग ना ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं. मतलब अनीता, आप इतनी वेरिएशन वाली एक जैसी एक्टिंग कैसे कर लेती हैं? सच में डर के भाग गया था डॉली जी. नाम क्या है इसका? अभी तो बताया, मुबीन. पूरा नाम क्या है? पूरा है, रखा ही नहीं आपके डर से. बहुत अच्छा. खैर, मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां हो जाए. तो डॉली जी, आपकी खातिरदारी में तो हमने 4 चांद फाड़ दिए. अब हम चाहते हैं कि आपका साथ जो है बिंदु जी दें. जोरदार तालियां हो जाए. अभी तक इनके मुंह से वो बचाव नहीं निकला ना, अब निकलेगा. जोरदार तालियां हो जाए भारती, करण और प्रीतम के लिए. हाँ जी, कैसे भैया? आज फिर एक्ट में जान डालनी पड़ेगी, क्योंकि आज फिर बहुत सारे अननोन फेस आए हैं. लेकिन एक बात बोलूं, इन सबसे मैं बड़ा स्टार एक ही बंदे को मानती हूँ, बिंदु पाजी को. लेगी बराबर लेगी, क्योंकि सबको एक एक वैनिटी वैन मिली, इनको 4 वैनिटी वैन. अरे हम तो और भी दे रहे थे, लेकिन ये बंदा कहता मेरे से और धोई नहीं जाएगी. बंदा फिल्मों में नहीं दिख रहा, टीवी में नहीं दिख रहा, तो बंदे के पास काम नहीं है. अरे बहुत बड़ा कारोबार है घर में फ्री बैठने का. ऐसी है डॉली मैम. सास्रीकाल. सास्रीकाल. यार ये बंदी को बुलाने में बड़ा पेट्रोल खर्च हुआ. नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं भेजी, ये पीती है. कहती 2 लीटर पिलाओ, पवई तक पहुंच जाऊंगी. लेकिन दिल की ये बहुत पता नहीं कैसी, मुझे पता नहीं. मुझे अभी कह रही थी, कहती भारती शूटिंग कब तक खत्म होएगी? मैंने कहा क्यों? कहते मैंने एयरपोर्ट जाना है. मैं कहा अच्छा, आउट ऑफ टाउन जा रही हैं आप? कहते नहीं, वो रनवे पे जहाज आता ना, कहते बड़ा मजा आता है देखने में, क्योंकि हम लोग बैठ नहीं सकते ना, तो देख देख के मजे ले लेते हैं. हाय, कैसे हैं आप? यार मेरा बड़ा दिल करता मैं चाकू लेके आती, ऐसे थोड़ा थोड़ा काटती और पैसे डालती बीच में. इनको कोई आशीर्वाद भी नहीं देता, क्योंकि 2 बार इनके सर पे ऐसे हाथ पैर ना चिंगारियां छोड़ते हैं. लेकिन एक बात पूछनी सर, सीरियसली, शूटिंग के बाद अब इसको यहाँ पे रखते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं? हाँ क्या, हम तो नारियल पानी फ्रिज में रखते हैं. आइए सर, आइए 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 आइए. सर 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 सर, आप सर वहाँ बैठिए ना, जूस ले आना. हाँ इधर आ. चप्पलों का जूस पिएगा? चप्पल चूसेगा? चप्पलों आया बड़ा. इसकी औकात है वहाँ पे बैठने की? नहीं भारती, फिर उस हिसाब से तो इन दोनों को भी नहीं बैठना चाहिए, सेम शो से फेमस हुए ना ये. लेकिन
हिट शो तो अपने भाई का ही था, जिस सीजन में अपना भाई था विंदु भाई, बड़ा हिट सीजन था। एक बार बिग बॉस ने कहा, बिग बॉस चाहते हैं कि विंदु कन्फेशन रूम पे आए। जैसे विंदु पाजी अंदर गए, बिग बॉस दो मिनट में भागते हुए बाहर गए, कहते हाय बंदा गर्दन पे दांत मारता है। और ये ये लेकिन अपने विंदु पाजी ज्यादा फेमस है, कोई भी मुंडन शादी त्योहार मुहूर्त हो इनको जरूर बुलाते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। नहीं नहीं उसका तो पता है, लेकिन दांतों से नारियल छील के देते हैं, बोलना होता है ना। मैंने सुना है डॉली बिंद्रा बहुत गालियां देती है। हैं? तूने सुना है, लगता है इसको पढ़ी नहीं कभी गालियां। अरे उनका ऐसा ही है, बल्कि डॉली और विंदु दोनों का ऐसा है। डॉली जी ऐसी है कि गाली दिए बिना इनको नींद नहीं आती, विंदु बाजी इनको गाली सुने बिना नींद नहीं आती। यार भारती बकवास मत करो, मतलब बिंदु दारा सिंह कुछ लिहाज करो, बॉडी देखिए, और बॉडी नहीं देखी तो मुंह के नाखून ही देख लो। नाखूनी दांत है मेरे पाजी के। आया मेरा बदतमीज और मेरे पाजी के दांतों के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू पाजी, अभी ना मैं बैकस्टेज थी, मैंने मेरी स्कर्ट फट गई सर। मैंने कहा मेरा परफॉर्मेंस है, कहते पहन तेरे को धागा आएगा। मैं क्या, हाँ जी, इन्होंने धागा नाक में डाला, स्कर्ट फटी, कहते मेरा स्कर्ट सी दिया। वैसे बिंदु पाजी को घूमने फिरने का भी बहुत शौक है ना सर? ऐते गाले ने सही कही पाजी, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। एक बार ना अंडर वाटर गए थे, पूरा वाटर वर्ल्ड देखने अपने बच्चों के साथ। कहते बेटा वो देखो सी, हाँ ये शार्क, उधर शार्क भी अपने बच्चे लेके आई थी, कहती वो देखो बिंदु। भारती तू पिटवाएगी। खैर खैर खैर, बिंदु जी को छोड़ते हैं। दौरा पड़ गया, दौरा पानी लाओ, दौरा पड़ गया। डॉली जी नहीं, हाथ लो पहले। मैं बच्चों को देख रही हूँ शांति। बड़ा ऐसे मेरे गांव में भैंस पागल हुई थी। डॉली जी कैसी हैं आप? अच्छा पूरा देश जानता है वो कैसी है, समझे? गली में थू थू कहते हैं सब। तू पूछ रहा था डॉली जी कैसी है, अरे ये वो बंदी है जो खड़े लैंप पे बल्ब ऐसे कर रहा था ना, उसको लड़ने लगे, ए आंख मारता है मोदी को, आंख मारता है, कौन मारेगा, ए बाल निकाल, अरे बहन जनता का। अरे इनको कोई पत्थर नहीं मारता, आंख तो बहुत दूर की बात है। ये तो बात सही कही, लेकिन जैसा भी हो यार, ठीक आई नो गंदा हस्ती है, लेकिन अंदी अंदर से बड़ी चुलबुली है। लोग पूछते रहते हैं कि डॉली जी आपका दिल्ली में घर है, बॉम्बे में घर है, आप रहती कहाँ है? कहती कंट्रोवर्सी में। ये मीडिया के अलावा भी कोई काम करती है? करती थी। ये पहले फौज में थी, मुंह में गोले भर के दुश्मनों पे थूकती थी। एक दिन सारे दुश्मन आगे, कहते भाई गोलों से बच जाएंगे, इसके थूक से नहीं बचेंगे। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, और बिंदु जी ये इसकी स्क्रिप्ट है, हमने कुछ नहीं किया। कुछ मालूम नहीं, हम तो 150 रुपए के कर्मचारी हैं यहाँ पे, हमको कुछ नहीं पता। चल चल बताएगी पगले ऐसे। मेरी परफॉर्मेंस के दौरान आपको सर कोई बात हर्ट हुई हो या आपको दुख लगा हो, तो मैं सच्ची कहती हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। वाह, हाथ तो ऐसे जोड़े, कमाल कर दिया आपने। आपके साथ रह रहे के थोड़ा मैं भी सीख जाऊंगा। का सची में बिंदु जी, इनका टैलेंट देखकर ना सरकार ने बाइक के साथ एक हेलमेट गिफ्ट किया है। इन्हें खुश होकर नहीं, कहते बाइक चलाएगा हेलमेट पहनेगा, इसी बहाने इसका मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। और ये हमारे चिकने सारा दिन जिम में लगे रहते हैं, मुंह से बड़ा तो डोला हो गया। अभी एक दिन सो रहा था, सोते सोते से हाथ पड़ गया, इसकी सांस ही रुक गई।
ये जो हंस रहे ना, इनका भी एक दिन हाथ पड़ा था, इनकी भी सांस रुक गई थी डोले की वजह की नहीं, स्मेल की वजह से। बता इनको क्यों? वो भी मेरा नहीं आया था उसके चक्कर में, आया करो कपड़े वपड़े लेने के लिए प्लीज। जोरदार ताली हो जाए भारती, करण और प्रीतम के लिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी ने आप लोगों पे डेली शो बनाया? नहीं ना, मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि उससे पहले मेरे पाजी को इधर आना पड़ेगा और तो ठंडे नारियल पानी उधर आए। तो मैं क्या कह रही थी, आप लोगों पे कभी किसी ने डेली शो बनाया? नहीं ना, तो बनाने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम श्रुति एंड शकील जी। हेलो, अभी कोऑर्डिनेटर मैं तेरे से क्या बोला था यार? हाँ, मेरे डेली सोप के लिए मुझे एस्टैब्लिश गुड लुकिंग टैलेंटेड लोग चाहिए थे, जरा छाट के भेज देना। क्या छठे हुए लोग भेजे हैं तूने? अरे यार, मैं एकदम संस्कारी फैमिली ड्रामा बना रही हूँ, अब उसमें साड़ी और ज्वेलरी में टकली बहुएं कैसी लगेंगी? देख, शो का नाम है सास का पोता भी कभी ससुर बनेगा। अब मेरा प्रोड्यूसर आके मेरी जान खाएगा, क्या बोलूं उसको? आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, चूल्हे में आग लगा दूंगा, अंडे उबाल दूंगा। अंडे कहाँ से उबालूंगा, अंडा तो यहीं पड़े हुए हैं। बुझिया से काम चला लो आज। हाँ सुनो, तुमसे कहा था मैं संस्कारी बहू के रोल के लिए, सनी लियोनी से बात हो गई है। वो अगर मना करें तो डॉली से बात कर लो, क्योंकि वो एक्सपोज वाला सीन तो डॉली सबको एक्सपोज करके रख देती है वो तो। कोई मिला खड़ी भी उदास मुंह लेके? हाँ सर, वो कोऑर्डिनेटर ने लोग भेजे हैं, देखिए ना। हाँ मैंने देख लिया, कोई अच्छे से कबाड़े देके इनको भेज दो। ये बहुत संस्कारी हैं, पूजा पाठ करती हैं, माँ की तो भक्त हैं। गोद ले लो मुझे, गोद मेरी गोद फट जाएगी। तो सर संस्कारी बहू, देखो मैं इनका गेटअप बता देता हूँ। हाँ। ये बहू हैं तो इनके इनके छह थान साड़ी के लिए ले आओ। नहीं सर, छह मीटर की साड़ी। छह मीटर तो हाथ पे आ जाएगा इसके। छह थान कम पड़े, दो थान और मंगवा लेना। थानों में झुमके की जगह तवा लटका दो, दो। काले वाले तवा छोड़ो, डिश लटका दो, दो तीन चैनल भी कैच करती रहेगी। नथनी की जगह कोई अच्छा सा टायर लो गाड़ी की, वो डाल दो। और सोने की चैन की जगह साइकिल के चैन डाल दो, ताकि चैन से बैठ जाइए। और सर बाबूजी के रोल के लिए, मतलब ये तो अपने बाप को भी निजमाने के सीन में, बाप लेट आएगा, बाप होगा घर का, चल टाइम से आया कर। पिता तो आधार कार्ड नहीं बना इसी वजह से। आधार कार्ड वाले बोले आपके पिता का नाम क्या? बाप तक पहुंच रहा है साले। बाप तक नहीं जाना। लेकिन बहुत मासूम है सर। बहुत मासूम है, और इतनी मासूम है कमोड को देख के कह रही, इतना छोटा सा बटप। क्या वो क्या कहते उसको? बाथटब। हाँ, कह रही मैं तो उसमें फंस जाऊंगी। शुक्र है घुसी नहीं। वैसे इनका जब शो आ रहा था ना, तो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ ने फोन किया था ना, वो तो बड़ा अजीब सा किस्सा है जी। बीवी ने पति को फोन किया, कह रही सुनो जल्दी आ जाओ, टीवी खराब हो गया है, पता है हर 5 सेकंड बाद बीप बीप की आवाज आ रही है इसके अंदर से। वहाँ पति ने आराम से बोला, आराम से बैठ, डॉली बिंद्रा का शो आ रहा, खत्म होगा, आवाज ठीक हो जाएगी। सर वैसे कोऑर्डिनेटर ने बिंदु जी को भी भेजा है, देखिए ना। अरे बिंदु भाई कैसे हो? अभी खराब करते हैं। दुनिया का अजीम आदमी ये सोता है, इसके दांत जाग रहे होते हैं। कसम से इनके होंठों की आपस में मुलाकात हुए 6-7 साल हो गए। सर इन्हें कौन से रोल में कास्ट करूं? इनको रख लो कॉमेडियन। कॉमेडियन सर बहुत सीरियस एक्टर है। करेगा ये सीरियस एक्टिंग, लोग हंस हंस के मर जाएंगे। सर आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने वो शो किया था EMI बॉस। अबे EMI बॉस ने बिग बॉस,
अरे लेकिन उनके लिए तो EMI बॉस हुआ ना, सारे EMI उसी शो से तो चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, प्रेस ने इतने बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा था बिंदु दारा सिंह रहे बिग बॉस के घर में पूरे 90 दिन, अरे उसके पहले 35 साल अपने घर में रहे, उसके बारे में तो किसी ने नहीं लिखा। और सर डॉली मिंद्रा भी थी शो में। हाँ, बिग बॉस में, बिग बॉस आए, कहने गए डॉली बिग बॉस चाहते हैं, बेहोश हो गई। क्यों? मैंने पूछा क्यों, कह रही कोई तो मुझे चाहता है। दुनिया में कोई तो है जो मुझे भी चाहता है। मारूंगी तुझे, मारूंगी, सारी प्यार की भूखी है। वैसे सर रघु और राजीव भी आए हैं। अरे राघु राजू, ये जब पैदा हुए थे ना दोनों, दाई थोड़ी बुलवाई थी, तो फिर जाल बिछवाया था। जाल बिछवाया था क्योंकि दोनों भागते हुए आए थे दुनिया में, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा, मैं बोले बच्चे आगे ना निकल जाए, जाल में फंस जाए, इधर ही रह जाए। और ये देखो ये दो क्यों पैदा हुए, बोले एक नहीं चला दूसरा तो चले गई। और इत्तेफाक देखो दोनों ही नहीं चले। चलते थोड़ी है, बैठ के शो करता है, बात को गंदा ले जाती है। लेकिन सर देखिए इनको कास्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक जैसी शक्लें हैं ना। ये तो खुद कंफ्यूज रहते हैं, ये आदमी जाता है टॉयलेट में, ये पहले से बैठा कहता है अरे मैं कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में पैड गंदी करके घूम रहा था ये आदमी। अरे मैं कपड़े बदल, अरे मैं बदल लो पहले से, मैं क्यों बदल लो, मैं तो कार रहता हूँ। मेरे काम के हैं दोनों, क्यों इनको लेकर मैं फिल्म बनाऊंगा। क्यों? मेरे बाप से मेरी लगी हुई है, मेरा बाप का पैसा, मैं चाहता हूँ मेरा बाप बर्बाद हो जाए। लेकिन सर फिर डॉली और बिंदु जी नहीं, अब इतनी भी नहीं लगी है कि बाप को नंगा ही कर दूं। ज्यादा हो गया, रोमांटिक सीन करेंगे, भारी कास्ट है, हीरोइन रख देते हैं अब डॉली को, हीरो बिंदु भाई। फिल्म का नाम क्या रखेंगे? टकले सर तो ढकले। बहुत ज्यादा हो गया अगर ये फिल्म हिट हो गई इसका सिक्वल बनाएंगे, टकले कभी तो हंसले। अरे बस बहुत हो गया, देखिए मुर्गी ने मारा पंजा हो गया गंजा, ये ठीक है, ये तो बोलते ही रहेंगे। देखिए उनको मजा आ रहा, मैं दही बड़े खिला रहा हूँ। देखिए ये शो का फॉर्मेट है, हमें ये सब कहने के लिए लिख के देते हैं स्क्रिप्ट, अगर कोई गलती हो गई या आप लोगों के दिल को कोई ठेस पहुंची तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि वैसे हमारे दिल में आप लोगों के लिए सिर्फ नफरत है। हमें भले माफ नहीं करना जाओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, श्रुति भारती ऐसी हो, ये बड़ी बदतमीज लड़की है, रोज ऑटो रोकती रहती, भैया रुकना भैया रुकना। मैंने एक बार ऑटो वाले को पकड़ लिया, मैं कहा भाई रुकते क्यों नहीं हो, लड़की रोकती है, कहते कुछ नहीं करती मैम बीड़ी मांगती है। अपना नहीं बता रही है, जहाज के पिछले हिस्से में बैठ के जहाज दो दफा यूं हुआ, दब 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 दब। फिर जहाज ने मुड़ के कहा बहन उतर जा, मैंने उड़ना भी होता है। चलो इन्होंने मेरा बता दिया, अभी मैं इनका बताती हूँ। एक्चुअली बचपन से ही काम कर रहे हैं, बड़ी फैमिली है, शादी बहुत लेट हुई, अभी 2-3 साल पहले ही हुई है, तो जैसे ही सुहागरात की सेज पे गए बीवी का घूंघट उठाया, कहती अंकल आप बेटे को भेजो ना। तो चलिए जोरदार तालियां शकील और श्रुति के लिए। आप भी कह दो एक बार, कैसे बोला था? बाप पे मत जला। मैं बाप पे मत जला मेरे। मुझे पता है कि डॉली जी हंस-हंस के बहुत थक गई है, इसलिए इनको देते थोड़ा सा रेस्ट। आप लोग तो उधर ही बैठिए नवाब साहब। आइए डॉली जी। कुछ 3 लोग हैं जो आपके शो पे आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, बहुत नाराज हैं आपसे। बताओ कौन है वो? कृष्णा,
सुदेश और उनके साथ खूबसूरत लड़की अदा। है कौन रहे लोग? साला सलमान भाई तो एक ही एपिसोड के लिए आए थे, अपना स्टाफ यही छोड़ गए क्या? अरे अरे अपने भाई लोग हैं। अरे यार चारों मिलके कम से कम एक तो अच्छा मुंह बना लो, हमको क्लोजअप भी लेने होते हैं। हे भगवान, क्या बात है, है? अरे बद्दुआएं लगेंगी, जुओं का घर उजाड़ दिया तुम लोगों ने। आज साल एक ही शो किया, आज तक फेमस नहीं हुए। ये कृष्णा का वादा है, 8 मिनट में फेमस कर दूंगा आप लोगों को। कॉमेडी नाइट बचाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक सलाह देता हूं, सर कभी जोड़ के मत बैठना, नहीं तो किसी को लगेगा कि पैंट उतार के उल्टा बैठा हुआ। गंदी सोच वाले लड़कों, मैं घुटनों की बात कर रहा था सालो। बात करते हैं, ये इवन डेड, ये इतनी अच्छी लेडी के बारे में आप लोग क्या क्या बोल रहे थे। अरे ये औरत नहीं है, यही मेरा पंच था, ये औरत नहीं है। अरे ये औरत की इतनी बड़ी पिक्चर रिलीज हुई, अभी सुपर हिट हुई है, मांझी द माउंटेन मैन। तालियां। एक मिनट, अरे यहाँ आपकी पिक्चर नहीं थी तो फिर नवाजुद्दीन हथौड़ा लेके किसका मुंह तोड़ने के लिए जा रहा था? अरे अरे इनके बड़े बड़े फैन है, ये देख ये आदमी इतने दिनों से इंतजार कर रहा है डॉली बिंद्रा आएगी, डॉली बिंद्रा, उठ के मार अभी। अरे ऐसा वैसा मत समझना, एक दिन सरकारी दफ्तर गई, उन्होंने बोला पहचान पत्र दिखाओ, उसको बोलती तेरी माँ का ये है। बोलते ये क्या कर रही है, बोलती है ये मेरी पहचान है। लेकिन बड़े बड़े लोग जानते हैं भाई, डॉली बिंद्रा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक दिन ये क्रिकेट के मैदान में गई क्रिकेट देखने, अरे सच्ची बोलता हूँ, सचिन खुद आया चल के, बोलता आई ला डॉली बिंद्रा, कहती है हाँ यहाँ पे बैट मारा उसने मुंह पे। और ये है हमारे विंदु भाई, अरे किलर लुक्स इसे कहते हैं, किलर। कल 3 आदमी इनका मुंह देख के मर गए, सच्ची बात। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई एक पहलवान है तो वो है हमारे विंदु भाई। अरे तू क्या बॉडी बनाता है, ये देख बाइसेप्स मुंह से बाहर आ रहे हैं इनके। बात करते हैं मारू में, भाई साहब मुंह से। अरे एक मिनट, जल्दी करो, लेबर पेन चालू हो गया। ये धारावी की चाची ताड़का देख लो भैया। अरे तुमको मालूम है कलर्स वालों ने बिंदु भाई को क्यों लिया बिग बॉस में? क्योंकि वो चाहते थे एलियन से भी टीआरपी आए। खैर काफी बकवास कर ली, सुदेश जी कहाँ चले गए यार? हाँ जी सर, बिंदु बिंद्रा को तंत्र मारे तो मैं नहीं मारना। क्यों?
बिल्डिंग में ना हमारे कान में क्यों बोल रहे हो, हमें सुनाओ। नहीं डोली जी नहीं करना नहीं यार। निकुल निकुल व्हाट हैपेंड? नहीं मैं जिन जिन पे मेरा उनसे बकरवा हो हमारी बिल्डिंग में रहते हम नहीं कर सकते। नहीं कोई पंगा नहीं लेना, मैंने नहीं करना तो नहीं करना। तू क्या आस्ता है अबे गंदी नाली के कीड़े थप्पड़ मार के भर गया क्या कर लेगा? एक मिनट यारा क्या है क्या है तू? मार के थप्पड़ ना बाहर निकाल दूंगा। क्या कर रहे हो? चुप यार तू हट जा। अरे सुदेश जी क्या कर रहे हो यार? सर आप ऐसे डायलॉग कैसे बोल लेते हो, हमसे तो बोले नहीं आते। थोड़ी देर के लिए मुंह गंदा किया, इतनी प्रॉब्लम हो गई, ये इतनी देर से रखे हुए। डोली जी मैं आपके लिए क्यों कहूंगा, पहले हम भूमि क्लासिक में इकट्ठे रहते थे, अभी जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहां मैं चाहता हूँ आप आ जाओ, क्योंकि फ्लैट सस्ते करवाना चाहता हूँ। जहां जाते फ्लैट सस्ते हो जाते, खेत बेच लोग भाग रहे हैं। एक मिनट सर आप मुझे बताओ, मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मेरे साथ आप ऐसा क्यों? क्या किया इन्होंने? मुझे रोडी से बाहर निकाल दिया यार। मेरा कसूर क्या? इतना घमंड। अभी तो सिर्फ आपकी एक ही फिल्म फ्लॉप हुई है तो इतना घमंड। अरे 30 मार खान डाउन क्या होगी, इतना अरे इतना घमंड तो अक्षय कुमार ने किया यार। अरे मेरे को याद है 30 मार खान की शूटिंग में गए थे ना पहले दिन, अक्षय कुमार को जाके बोला तू बनेगा रोडीज, तू बनेगा रोडीज, उसने ना उड़ के मुंह पे जो लात मारी है ना, अरे हाय यहाँ पे मारी सीधा, यहाँ पे बीच में बाल भी नहीं आते अभी यार। अभी तक बता रहे ऐसे मारी थी। नहीं आपको मारे ठीक है, आपने मेरे को क्यों निकाला? सिर्फ मेरा ये कसूर था कि मुझे गंदी गंदी गालियां नहीं आती, आपकी बदतमीजी का जवाब मैंने थप्पड़ से नहीं दिया, मेरा ये कसूर था। ये क्या यार, मुझे इनको इतना गुस्सा आता क्यों बता? अरे मेरे को मालूम है, काहे को पता क्यों इतना गुस्सा आता है? एक दिन इन दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़े के देख लिया था। हाँ तो कहते हैं यार हम लोग सिर्फ मुंह से ही जुड़वाए। गुस्सा आ गया। अरे ऐसे टकले लोगों का होता है। मैं कब से देख रहा हूँ, कभी शकील आते कभी ममीन, टकले 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 हाथ होती यार, उनको नहीं पता वो टकले है कि नहीं। आपको आपको लगता है वो टकले? आपको लगता है? अरे वो टकले नहीं है, उनकी हाइट बढ़ी हुई भालों से बाहर आ गए। कमाल है यार। सर ऐसा है अभी आप यहीं पे बैठे रहोगे, कोई अगर आपको कहे चाय लाओ कॉफी लाओ नहीं जाना। नहीं मैं सुनो मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए, आपको कोई भी कहे आप बोलो हम मेहमान हैं, इनकी याद है। अगर आपको कहे आप तो वेले हो, आप तो आप बोलो मैं बिंदु के साथ में अकेला आया। ओके मैं हूं ना बैठू। एक एक पप्पी हो जाए प्लीज। अबे हट बे, लोग अक्सर तलवे चाटते हैं, ये टकले चाट रहा है। अबे तेरी, रोडीज के लिए टिप्स चाहिए, कोई टिप्स दो यार रोडीज के लिए। आप ही दे दो। अरे हम क्या ले, हमको पता है आपने रोडीज में क्या क्या किया है। हमें आज भी याद है। हमको आज भी याद है। सीन आपको दिखाते हैं जो जो इन्होंने किया है, आहिस्ता आहिस्ता लाना, आहिस्ता आहिस्ता। गुड मॉर्निंग, रघु राजीव कहाँ है? देखता नजर को, सामने नजर नहीं आता, देखता नहीं तेरे को। उधर शीशा लगा हुआ है, इधर देख, असली इधर है। सर कहाँ है? सर दिखाओ इसको, ये ले। हेलो, हमारे हिंदुस्तान में लोगों के टैलेंट की कदर होती है, हमारे टकलों की कदर है। कोई पहचान तारी समझती क्या अपने आप का? हमसे जबान लड़ाएगी तू? हमसे जबान लड़ाएगी? बोल भाई, बात करती है, आंखें नीचे कर, आंखें नीचे करके बात कर भाई, आंखें नीचे कर। बात करती है हमारे सामने और क्या हंस रहा है तू? हंस कर आए इतनी देर से, इधर आ, हंसता है हमारे सामने, हंसता है हमारे सामने, हंसता नहीं, आंख नीचे करके बात कर, आंखें नीचे चाहिए तेरी।
सर। और एक मिनट तेरा गुस्सा कम ही होता जा रहा है दिन ब दिन। बता नाम क्या तेरा? सर आदा। गदा भाई को बोलती है? थप्पड़ मारो सर। गदा किसको बोल रही है तू? जज को गदा बोलेगी तू? चूहिया एक नंबर की गदा बोलेगी हमको? नाम बता अपना, चल नाम बता जल्दी बोल। बोल डर नाम बता। बाप का नाम बता। हरदल बाप का नाम बता। बाप पे नहीं जाना, डोली बेंद्रा बैठी है, बाप पे नहीं जाएगा कोई। क्या करने आई है इधर तू? ये नाम जो बताया तूने अदा, ये किसका है? मेरा। तेरा? ये किसी का नहीं हो सकता कमीना, ये तेरा कैसे हो गया? क्या बोल रहा? एक मिनट लड़की, ए क्या समझे? एक मिनट बोल। क्या करने आई है तू यहां? पहले मैंने पकड़ा। इधर आके खड़ा हो, इधर आ जरा। क्या समझे अपने आप को? क्यों समझती है? आंखें नीचे। सर, नीचे। अरे आप तुम खुद ही ऊपर देख रहे हो यार, तो बता नहीं सकते मेरे को? जो मेरा अकेले का नहीं बताना पड़ेगा। अरे कर कह रहे, तुम्हारा गुस्सा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सर वो मैं क्या, फॉर्म पे क्या लिखा था तूने? फॉर्म पे क्या लिखा है? रोडीज बनने के लिए क्या क्या कर सकती हो तुम? सीधा सीधा जवाब दो। सर मैं रोडीज बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भाई भाई जाके दूध लेके आ। भाई मैं कह रहा हूँ जाके दूध लेके आ। भाई क्या बात कर रहे हैं यार तुम? जाओ केसर लेकर आओ भाई। अरे यार, अरे नेशनल टीवी पे क्या बोल रहे हो भाई? अरे नेशनल टीवी पे मैं खीर नहीं बना सकता क्या? क्या बकवास किया जा रहा है इतनी देर? वो अब तेरा गुस्सा कम हो रहा भाई? इस शो में ऐसे नहीं आया था, यहाँ पे पेशाब पुशअप करना पड़ता है। यहाँ पे पुशअप करना पड़ता है और बहुत लोगों ने पुशअप कर लिया। अब देख इसमें ताकत है, ये देख ऐसा होता है। हाँ ये हमारा भाई है। कुछ लोग तो थक के बैठ जाते हैं। ये चीज एक्टिंग के चक्कर में क्या क्या कर रहा, पागल हो गया तो? पागल हो गई है? क्या क्या आता है तुझे? क्या क्या आता है तुझे? मेरे सवाल का जवाब दे। सर मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता? नहीं। साली जज की बराबरी करेगी, तुझे भी कुछ नहीं आता। जज की बराबरी करेगी तू, तुझे भी कुछ नहीं आता। भाई भाई आपका गुस्सा कम हो रहा है। भाई गुस्सा कम हो रहा है। आजी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफी मांगते दिल से, क्योंकि चैनल ने हमें कहा था माफी मांग लेना, बाद में हम माफी काट देंगे। नहीं जो बात हुई, बाकी ये लड़की हो या ये लड़कियां बैठी हैं, जितनी भी ये भी सब बैठी हैं, सब आपको प्यार करती हैं। टकला अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। नहीं, इनकी तरफ से मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, ये लड़कियाँ जो आपको कहना चाहती हैं। थैंक यू। टकला यार मनाना नहीं, टकली बन जाना जद टकला रांझा अगे आ, जद टकला रांझा पिघलेगा। अब मैं टकली कहलाऊंगी, तब मैं टकली कहलाऊंगी।
नी मैं टकली टकली नी मैं टकली टकली नी मैं टकली टकली मेरे यार दी नी मैं टकली टकली नी मैं टकली टकली नी टकली टकली मेरे यार दी टकली टकली नी टकली 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 टक टकली टकली आई लव यू जानी चल हम दोनों बैठ करें रोमांस इस सिचुएशन फाइन लोकेशन मिलती है बाय चांस नी मैं टकली टकली नी मैं टकली टक नी मैं टकली टकली मेरे यार दी नी मैं टकली टकली नी मैं टकली टक नी मैं टकली टकली मेरे यार दी टकली अच्छा हम लोगों ने सुना है कि रघु भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो हम चाहेंगे कि एक गाना हो जाए नहीं नहीं मैं एक गाना हो जाए गाना इन्हें गाना चाहिए क्योंकि कॉमेडियन बहुत घटिया है ये इनको सिंगर अच्छा बन सकते हैं शायद सर आप आपके सामने हम नहीं गाते एक होना चाहिए प्लीज सर प्लीज एक गाना तीस मार खान का वो सुपर हिट सॉन्ग गाना नहीं गाओगे गाना नहीं गाओगे आप गाना गाना पड़ेगा क्या बात है जोरदार तालियां हो जाए बहुत अच्छा लगा सर मानना पड़ेगा आपने जो तीन महीना रिहर्सल की वो परफेक्ट गाया बहुत बढ़िया कृष्णा हाँ तुम अपने एक्ट में लड़की को कितना खींचते थे ऐसे ला रहे थे इसकी आंखों में लड़कियों की इतनी भूख है ना सर कि मोबाइल में भी लड़की देखता रहा 10 मिनट बाद उस स्क्रीन पे स्क्रैच आए होते हैं लेकिन अपने सुदेश जी सही है बोला भला प्यारा सा बुजुर्ग कल पीके की सीढ़ी देख के ऐसे से कर रहे थे मैंने कहा ये क्या कर रहे कहते नहीं रेडियो लेके पीके आया था क्या पता छोटा सा मोबाइल लेके पीकी भी आ जाए बहन पीछे लेकिन अदा यार ये बड़ी क्यूट है यहाँ भी बड़ी क्यूट बनती ना ऐसे ऐसी लड़कियां गोलगप्पे वालों से लड़ पड़ती है काहे नहीं दे रहे गोलगप्पे हाँ हमने पीठी पूरी खानी है हमको गोलगप्पे दो और बस फिर भेल वाला एक फ्री गोलगप्पा दे उसी के साथ सेट हो जाती है चलिए जोरदार तालियां कृष्णा सुदेश और अदा के लिए बहुत हो गया ना ऐसे कह रहे हैं ना भाई कब निकले बहुत हो गया बाल आने शुरू हो गए अब आप लोग ये बंद करने का बटन कहाँ से अब हम चाहते हैं कि आपका साथ जो है बिंदु जी दें जोरदार तालियां हो जाए रघु एंड राजीव हमने आपको शो में देखा आप लोग बहुत ही गुस्से में रहते हो यार लेकिन हमारी जो जोड़ी है वो आपसे भी ज्यादा गुस्से में है तो भैया अभी वो लोग आएंगे आप लोग संभाल लेना प्लीज वेलकम नसीम एंड पूजा हेलो सर कैसे हैं आप क्या मन कर रहा था खाने को वाओ सुबह से मैं सोच रही थी मुझे अंडे खाने का मन कर रहा हाफ फ्राई या बॉइल्ड अरे यार मैं सोच रही हूँ फिलहाल तो डॉली जी वहाँ है जब वो उस कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी की क्या हालत हो रही है अरे ये तो कुछ भी नहीं अभी तो थोड़ी स्मार्ट होगी जब पहले थी ना थोड़ी ये वाली हाँ हाँ। उस वक्त देखने वाली थी इनके घर एक दफा चोर आ गया था अच्छा इन्होंने चोर को पहले दी गंदी गाली अच्छा चोर जमीन पे फिर उसके ऊपर बैठ गई इन करके अपने भाई को कहती है जल्दी जाओ पुलिस लेकर आओ पुलिस लेकर आओ फिर क्या हुआ भाई कहता है कि जूता नहीं मिल रहा तो नीचे से चोर कहता है मेरा पहन जाओ मुझे उधर ही भिजवा दो और बिंदु पास
जो होते हैं ना उनको बच्चों को उठाने के लिए गुस्से वाला मुंह बनाना पड़ता है। आप तो बच्चे को देख के हंसते हुए बच्चा डर जाता है, नहीं पापा नहीं, पापा नहीं। और सामने देखो कौन है ये? ये हाँ, ये रघु राजीव। रघु राजीव सर, सर आपने मुझे पहचाना? मैं आपके शो में आया था ऑडिशन देने के लिए। नहीं यार, नहीं पहचाना होगा। ये लोग रोज लाखों लोगों को बेइज्जत करके निकालते, तुझे कहाँ से याद रखेंगे। वैसे रघु राजीव, मैं भी आई थी आप लोगों के शो में ऑडिशन देने, आप लोगों ने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया यार। अरे रिजेक्ट कर दिया था? हाँ। तो पहन के क्या गई थी? मैं हंसने की कोई बात नहीं है यार, मैं साड़ी पहन के गई थी। साड़ी पहन के गई थी? हाँ। तो पागल, तूने तो रिजेक्ट होना ही था। क्यों? जो अपने शो में खुद नंगे सर बैठते हैं, तू साड़ी पहन के चली गई। ऐसे सही कहा तूने। पता है अंतरिक्ष से भी ना दो ही चीज नंगी आंखों से देखा जा सकता है, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और एक इन दोनों के सर। सर कभी मार्केट में ऐसा हुआ कि किसी की फैमिली के बच्चों ने देखे कहा मम्मी ये नारियल पानी पीना है? वैसे एक बात बता, मैं तो चल पूरे कपड़े में गई थी इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया, तू क्या पहन गया था कि तुझे रिजेक्ट कर दिया? मुझे गलती हो गई थी क्या? वहाँ पर ना किसी ने मुझे कहा कि लाइटर है, मैंने कहा मेरे पास लाइटर नहीं है, मैंने फिर उन दोनों का सर पकड़ के घिसाया, आग निकली और बीड़ी जला के दे दी उनको। अरे हाँ, मास्टरपीस है। इनको तो गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी थी ना लास्ट वीक जन्माष्टमी पे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था घर से बाहर नहीं निकला, अगर किसी ने दही हांडी समझ के फोड़ दिया हमारा तो मान। इतना गुस्से से बोलते हो, मुझे तो लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही हो गया होगा। मतलब एक बार इन्होंने शीशा देखा, देखा कहते अबे तेरी इतनी औकात, अबे टकले तू मुझे देखेगा, चल। शादी स्वागत में जाके घूंघट उठा के कहते अरे तेरी इतनी औकात, मेरे घर पे इतना मेकअप करके बैठी, अबे चल फट। इन दोनों के बीच में बिंदु जी इतने प्यारे बैठे हुए, इनको भी एक दिन ना रास्ते से शीशा मिला। हाँ। उठा के देख, अच्छा आपका है, रख दिया फिर। बिंदु जी मैं आपको बता रही हूँ, आप एक गलत लाइन में आ गए। आपको इतनी अच्छी शक्ल दी, आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। आपकी देखो इतनी तीखी नाक दी है भगवान ने, आपको गोलगप्पे फोड़ फोड़ के लोगों को खिलाने चाहिए। तेरा क्या मतलब, उन्होंने ये काम नहीं किया? किया था? अरे किया था, ज्यादा नुकसान हो गया। क्यों? नाक ज्यादा तीखी है, गोलगप्पे के आर पार हो गई थी। तेरा मतलब क्या है, कोई आम इंसान है, कोई तो काम के होंगे ना? नहीं ऐसा नहीं है सर, आप हमसे ज्यादा काम वाले हो। ऐसी तो बात नहीं है, हम तो किसी के घर में मेहमान जाए ना तो हमें तो छोटे छोटे काम कहते हैं। लोग कहते हैं भैया एक काम करो, ये ग्लास दे दो मुझे, ये एक काम करो प्याली दे दो मुझे, ये लंबा कद है इनका, ये हाइट है, इनको बड़े बड़े काम बोलते हैं लोग। अरे भैया एक काम करें, ये जरा जाला तो साफ कर दे हमारा। इनको दुबई में जॉब मिली थी। क्या बात कर रहा? एक शेख ने कहा था 10,000 दिरहम आपको मिलेगा एक महीने का। वाह, काम भी आसान था। क्या? सुबह सुबह उठकर उसके ऊंट को पेस्ट करनी थी। यार हमने ना बहुत ज्यादा बोल लिया अब। अच्छा यार बोल दे जो हम हमेशा एंड में बोलते जो हैं। करते हैं कि हाथ जोड़ के जो बोलते हैं। हाथ नहीं जोड़ने। अच्छा, दोनों हाथ पीछे। सर अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल बे चल। ए गलत बात ऐसे मत बोल यार, इनको कैसे बोलूं? चल भाग। ऐसे मैं निकाल ले रहा हूं, मैंने सोचा इस तरफ आ जाओ। आप इस तरफ आ जाओ। ये आदमी सही नहीं है। ये तो दूर बैठा तो आंखों से एक्सरे कर लेता है। नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत बुरी हरकत है, किसी के छोटे ग्लास को नहीं छेड़ते, अपना पूरा टब भरा बड़ा है। इतनी भोली शक्ल से इतनी बड़ी है बोले, लेकिन बहुत सीधे आदमी। बताए बाहर सिक्योरिटी गार्ड 2 दिन इनको गाली ना देना तो उसको जाके पूछते हैं मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। वो कहता नहीं भाई आपसे कोई गलती नहीं आई, सारी गाली कृष्णा ले गया मुझसे। इंदु जी आपने देखी आंखें एकदम बिल्ली जैसी हैं,
अभी तो कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। और लैरी जी और करण कैसे है? बड़ा फर्क है, ये क्यूट वाला, वो बुलडॉग है पोमेरियन। डॉबरमैन क्या कह रहा है देखो खुद। जोरदार तालियां पूजा और नसीम जी के लिए। एपिसोड जब खत्म होने वाला होता है तो मेरे बाबूजी अक्सर एक ही चीज कहते हैं कि बेटा एक हाथ लो तो एक हाथ दो। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, अब आप लोगों की बारी है। यार ये सुदेश है ना, सुदेश हाँ। बहुत कमीना आदमी, बहुत कमीना। नहीं यार नहीं, सुदेश जी को तू कमीना मत बोल। क्या होता है? पूरे अंबरसर में ना इनकी बहुत तारीफ है, हर घर के बाहर इनका पोस्टर लगा है, बीवेयर ऑफ डॉग्स। इनसे कम तो कोई गाली देता ही नहीं, कमीना इज टूलेस। उत्तम भाई एक बात बता रहा हूँ तुझे यार, कि मैंने बाथरूम सिंगर्स तो बहुत सुने हैं लेकिन बाथरूम एक्टर पहली बार देखा भाई। तू काम कर, जो भी एक्टिंग कर रही है ना तू बाथरूम में कर, फिर फ्लश कर दे, वही बात। ठाकुर अब हम बोलेंगे। ओए पठानी, हाँ क्या नाम बताया था तूने अपना? मुबीन। मुबीन तू कल गाड़ी धोने आ, मैं तुझे कल देखती हूँ। हैं? यहाँ नहीं तो कलर्स है, मेरा माई बाप है, नहीं तो बीप 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 यहाँ लगेगा। एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत बड़ी एंकर है, हर शो में ना वो एंकर होती है। श्रुति जी आपने इतने शो एंकर किए, इतने शो एंकर किए, उसके बाद आपकी शक्ल ना बाइक के जैसे लगने लगी। कृष्णा इतनी अच्छी एक्टिंग की आपने, अब इतने अच्छे, मैं आप थिएटर में आपकी पिक्चर देखने गया था, पर्दे फट गए सर। क्या बात कर रहे हैं, इनका सीन आते पब्लिक ने पर्दे फाड़ दिया, नहीं देखने मानूस, मानूस नहीं देखने हमें। अबे मैं बताता हूँ क्या, ये कितना बड़ा ठरकी है ये। नहीं मैं जा रहा था कल, मैंने कृष्णा को देखा, एक दीवार पे लगा हुआ था, सूंघ रहा था। हैं? क्या बात कर रहा है? मैं क्या हुआ भाई कृष्णा, क्या है? घर के अंदर दो कुंवारी है, दो शादीशुदा है, एक बुढ़िया है। अबे इतना डर गया ये, सूंघ के बताता है ये लड़कियां तो बहुत दूर की बात है भाई, ऐसे है कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। करण भाई, भाई तू इतना क्यूट है, इतना चिकना है, तेरे देख के ना कॉमेडी मत कर, कॉमेडी मत कर, तेरे देख के ना हंसी नहीं आती, लड़कों की नीयत फिसलती है। लड़कों, तूने लोखंड वालों में मसाज पार्लर खोल ले, अच्छी कमाई करेगा, कॉमेडी वॉमेडी छोड़ दे भाई, बता रहा हूँ तेरा फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट। नहीं नहीं फ्यूचर की बात मत करो, शकील को बुरा लग जाएगा। वो इतने बुढ़े हैं, कल मैं जा रहा था वो कब्रिस्तान में उनकी तस्वीर लगी हुई है, कमिंग सून। सबसे नया वाला आ जाओ, आ जाओ। आप सबको मजा आया? अरे भैया ऐसा मजा तो हर शनिवार आता रहेगा, देखना मत भूलिएगा कॉमेडी नाइट। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.